रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। मंदिर का निर्माण रुकवाने पर हंगामा, अलीगढ़ के सराय लबरिया में बदलाव की सूचना पर फोर्स तैनात, निर्माण फिर से शुरू कराया। प्रयागराज में तीन दोस्तों ने छात का गैंगरेप कर सड़क किनारे फेंका, प्राइवेट पार्ट को दांतों से काटा, 14 दिन से चल रहा था इलाज। इटावा में बैराज से छोड़े गए पानी के तटीय इलाकों में दशा, चंबल नदी का दिखने लगा रौद्र रूप, ग्रामीणों को अलर्ट जारी। प्यार में धर्म बदलकर भी चढ़ी दहेज उत्पीड़न की भीड़, मुजफ्फरनगर कोर्ट ने दिए मुकदमे के आदेश, जहां से खुलेगी शबनूर से बनी शिवानी की गुत्थी। बरेली कैंट में फर्जी सेना कर्मी गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी, लड़की से की फर्जी शादी, इंटेलिजेंस ने पकड़ा। वाराणसी में 25 अगस्त को ट्रेनिंग महाकुंभ, पूरे भारत में 15 लाख टीचरों का मेगा प्रशिक्षण, पूर्वांचल का जिम्मा वाराणसी के इग्नू को। फिरोजाबाद में सीडीओ और एसपी देहात का ट्रांसफर, सीडीओ दीक्षा जैन और कुमार रणवीर सिंह बने एसपी देहात। वाराणसी में आधी रात 49 मिलीमीटर बारिश, 6 सेंटीमीटर घटा गंगा का जलस्तर, घाटों में लबालब पानी। बलिया के उभाव में ट्रेन से कटकर युवा की मौत, हाफ पैंट व सफेद टी शर्ट पहना था, पुलिस कर रही है मामले की जांच। कानपुर में छेड़खानी का विरोध किया तो मार डाला सफाई कर्मी को, घर के सामने गिराकर पीटा, फिर चाकू और तलवार से किए वार। मेरठ में भाजपा नेताओं की शिकायत पर हटे एसपी, शासन ने एसपी सिटी के व्यवहार को लेकर की थी शिकायत, पीएसी भेजे गए। झांसी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर पकड़ा गौवंश तस्कर, 25,000 का इनामी था, गौवंश मांस की बांग्लादेश में तस्करी करने के गिरोह से जुड़ा था। बदायूं में भैंस चोर गैंग ने युवक को गोली मारी, पशुशाला में भैंस खोल रहा था गिरोह, विरोध कर झोंका फायर, घायल अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद के टूंडला में 10वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, 4 युवक छात्रों को किडनैप कर ले गए, कमरे में ले आकर किया रेप। उन्नाव के चौकी में शराब पीने के बाद सिपाहियों में नोकझोंक, एक दूसरे पर आईजी डीआईजी कहकर भिड़े, एसपी ने सीओ सिटी को सौंपी जांच। आगरा के चंबल में बाढ़ से डूबे पिनाहट के कई गांव, लोग जान बचाने को कर रहे हैं पलायन, खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा जलस्तर। बदायूं में नाबालिग से रेप, आरोपी गिरफ्तार, घर के पास खेतीहर इलाके में हुई वारदात, भीड़ ने आरोपी को मौके से दबोचा। शाहजहांपुर में 24 घंटे में 59 अपराधी गिरफ्तार, एसपी के आदेश पर रात भर में चलाया विशेष अभियान, अवैध शराब, नकदी और तमंचे बरामद। अयोध्या में जगतगुरु परमहंसाचार्य ने किया टी राजा का समर्थन, बोले हिंदुओं के ऊपर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मेरठ में महिला टीचर से छेड़छाड़, स्कूल के बंधन बनाया, होम साइंस की टीचर बोली, टीचर मुझे छेड़छाड़ करता है।
हमीरपुर में यमुना बेतवा ने खतरे के निशान को किया पार, रियासी इलाकों में घुसने लगा पानी, प्रशासन जुटा राहत शिविरों के इंतजाम में। मेरठ नाले में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप, ब्रह्मपुरी थाने के पास नाले में तैरती मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में गन्ने के खेत में मिली नवजात बच्ची, ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया, माता पिता की तलाश में जुटी पुलिस। अम्बेडकर नगर में एसपी ने बदले 20 निरीक्षक और उप निरीक्षक, देर रात किए तबादले, चंद्रभान व गजेंद्र विक्रम को मिली नई तैनाती। प्रयागराज में खतरे के निशान के करीब गंगा यमुना, अब बढ़ रहा पानी तो बेघर होगी 5 लाख आबादी, बाढ़ क्षेत्रों में समस्याओं का अंबार। मेरठ में बेटे के सामने पिता की हत्या, व्यापारी की चाकू से गर्दन काटी फिर गोली मारी, बेटे से बोला तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। औरैया में 5 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 2 लोगों की मौत, फायर ब्रिगेड के 5 कर्मचारी बेहोश। गाजीपुर में सेना के जवान को मारपीट कर किया घायल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, सियाचिन में तैनात है जवान। मुजफ्फरनगर में बाढ़ मार निरीक्षक 25,000 की रिश्वत लेते अरेस्ट, एंटी करप्शन टीम के आरोपी के ड्राइवर को भी किया अरेस्ट, दोनों पर मुकदमा दर्ज। फरुखाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। औरैया के विकास भवन में नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल, डीएम ने जांच के कर एफआईआर दर्ज कराने के दिए आदेश। बिजनौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, 9,000 व नकदी भी की गई बरामद। फरुखाबाद में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव व मोनिका यादव ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, पूर्व मंत्री ने कहा जनपद के विकास के मुद्दे पर हुई चर्चा। गाजियाबाद में सनसनीखेज मामला सामने आया, युवक ने खुद को गोली मारी और आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। औरैया में यमुना का स्थल जलस्तर बढ़ने से यमुना किनारे बसे गांव का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी, कहा स्थानीय लोगों को हर संभव मदद किया जाएगा। हरदोई पहुंचे पूर्व मंत्री नकुल दुबे, पीड़ित ब्राह्मण परिवार से मिले, कहा पुलिस कर रही है एक तरफा कार्रवाई, क्या यही है रामराज्य। गाजियाबाद में घर में घुसकर पड़ोस ने किया चाकू से ताबड़तोड़ हमला, घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार। गोंडा में आयोजित हुआ पुलिस विभाग के भवनों का वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम, कार्यक्रम के मौके पर जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद। कानपुर में युवक की लाठी डंडों से पिटाई, छुरी से गोदा, अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया, जांच में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने पंचायत भवन सहित 1 दर्जन इंटर कॉलॉक सड़कों को किया लोकार्पण, मौके पर मौजूद रही पुलिस। बीएसपी पर एसपी का पलटवार, सपा प्रवक्ता अमीक जमेई ने कहा कि मायावती जी को दुख होता है कि यूपी के मुसलमान अखिलेश यादव के साथ। मैनपुरी के डांसर किरण नायक उर्फ आकांक्षा की मौत का सच सामने आया, किरण नायक की मौत की फैली अफवाह।
गाजियाबाद में 13 वर्षीय नाबालिग की हत्या को लेकर NH24 पर लोगों ने लगाए जाम। मौके पर पहुंचे SP व SDM। प्रयागराज में कुर्क होगी अतीक अहमद की संपत्ति। जिलाधिकारी ने अतीक की अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के दिए आदेश। संभल में दवाई लेने जा रही महिला की मोटरसाइकिल की चपेट में आने से हुई मौत। दो बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत से हुई घटना। प्रयागराज में स्टार्टअप इंडिया के तहत खोला गया ब्यूटी पार्लर। महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने की करेगी अपना रोल अदा। वाराणसी में 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। मंत्री ने सुबह अर्दली बाजार में चलाया स्वच्छता अभियान। मथुरा में जांच टीम के अध्यक्ष सुल्खान सिंह ने किया ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का निरीक्षण। मंदिर के अंदर पहुंचकर गोस्वामी समाज से की मुलाकात। गाजियाबाद की सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। टीम ने सीमावर्ती जनपद स्कूल 111 मोबाइल को किया बरामद। प्रतापगढ़ में देश में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने लगाई चौपाल। पूर्व अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा यह पूंजीपतियों की सरकार है। अमेठी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी सहित तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। औरैया में खेत की रखवाली कर रहे किसान पर सांड ने किया हमला। घटना में किसान हुआ गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर ADG और IG ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई। चंदौली के मुगलसराय में तेलंगाना पुलिस की रेड। अभिषेक जैन नाम के युवक पुलिस के हिरासत में लिया गया। 9 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। गोंडा में 40 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। घटना से क्षेत्र में फैली सनसनीखेज। परिजनों में मचा कोहराम। बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा के जलस्तर बढ़ने से कुंज घाट पर दिखा मगरमच्छ। स्थानीय बच्चों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। लखनऊ में चलती कार में जन्मदिन मना रहे रईस जादों ने ली एक मां बेटी की जान। शराब के नशे में धुत रईस जादों ने जमकर मचाया तांडव। कन्नौज में प्रधानाध्यापक के रिवॉल्वर ताने पर शिक्षक की बिगड़ी हालत। शिक्षक ने जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल रहेगी हड़ताल। समस्याओं का निराकरण न होने से नाराज अधिवक्ता कल न्यायिक का करेंगे व्रत। कानपुर खाकी वर्दी की छवि को धूमिल करता खाकी का सिपाही। नशे बाजों की तरह रोड पर पड़े सिपाही AK पांडे का वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ के खत्री फ्लेवर्स में पड़ी इनकम टैक्स का छापा। लगभग 8 घंटे चली छापेमारी। थाना चौक क्षेत्र के अय्यागंज का मामला। सुल्तानपुर में बैंक फ्रेंचाइजी संचालक को गोली मारकर 70,000 की लूट। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में डुप्लीकेट सलमान खान पर फिर दर्ज हुआ मुकदमा। डालीगंज स्थित रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने का हुआ FIR। हरदोई में बच्चा
चोर समझकर विक्षिप्त महिला को ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। भीख मांगने के दौरान महिला ने पकड़ा बच्चे का हाथ तो लोगों ने समझा बच्चा चोर। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का लटकता हुआ शव। शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में बैटरी चोरी के शक में युवक को तालिबानी सजा। तालिबानी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। मुरादाबाद में 11 साल की बच्ची से रेप। घर के बाहर खेलते समय रुमाल से मुंह दबाकर उठा ले गए। रात में गली में बेहोश मिली। फिरोजाबाद में प्रेमिका से मिलने घर में घुसा प्रेमी पकड़ा गया। फिरोजाबाद में गांव वालों ने रात भर पेड़ से बंधे रखा। सुबह पुलिस को छुड़वाया। आगरा में आधी रात शराब की दुकान की छत काटकर चोरी। रुपए चोरी करने के पहले अपनी पसंद की शराब भी ढूंढी। सीसीटीवी कैमरे में कैद। आजमगढ़ में बोले प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी, जिले की सड़कों को बनाया जाएगा बेहतर। मिशन मोड में काम करते हैं हमारे कार्यकर्ता। हाथरस में महिला के साथ हुई लूटपाट का पर्दाफाश। दो लुटेरे गिरफ्तार। लूट की नकदी, बाइक, दो तमंचे और कारतूस बरामद। चलौन में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। बोले चिकित्सक की लापरवाही से गई जान। चित्रकूट के जंगलों में मिला नवजात। बारिश में झोपड़ियों और पत्थरों के बीच जानवरों का निवाला बनाने के लिए छोड़ा। रोने की आवाज सुनकर पहुंचे लोग। बलरामपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया कांस्टेबल, मौके पर ही हो गई मौत। विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम के साथ गया था छापा मारने। मुजफ्फरनगर तहसील सदर में भाकियू राजनीतिक का धरना। एसडीएम सदर पर किसानों को चोरी करने का आरोप। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम।